नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे 75 हार्ड YouTube वीडियो अपलोडिंग चैलेंज के डे 17 में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ के अंदर मैं 75 डेज तक लगातार हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं YouTube पर, जो कि फिल्म मेकिंग से किसी न किसी तरह से रिलेटेड होगी। मे बी वो 3D एनिमेशन की हो सकती है MIA में, या DaVinci Resolve में एडिटिंग की, या फ्यूजन में VFX की, या After Effects कुछ भी सॉफ्टवेयर की हो सकती है, या इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे हम अपने कामों को फास्ट कर सकते हैं। सब कुछ घूम फिर करके वीडियो मेकिंग और फिल्म मेकिंग और स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड ही कंटेंट होने वाला है। तो जो लोग देख रहे हैं, अभी तक हमारे 16 डेज बहुत अच्छे निकले हुए हैं, जिसमें हमने अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की बात की और टेक्निक्स की बात की है। अब रिसेंट मैंने एक दो वीडियो पहले जो बनाई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उससे पहले मैंने दो तीन वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैं आपसे बातचीत कर रहा था। तो किसी का मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया था उसमें कि इसमें जो है कुछ वियर्ड लग रहा है ना, आपका फेस कुछ वो लग रहा है, थोड़ा नाक आपका बड़ा लग रहा है। तो ये है वो मोटा नाक, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने है, एकदम भयंकर पकौड़े जैसा मोटा नाक यहाँ पर है। और ये ऐसा क्यों दिख रहा था और इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ आज। ये सारी गेम जो है फोकल लेंथ की है। अभी ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, अभी हेडरूम देख रहे हैं, ऊपर कितनी स्पेस है, नीचे कितनी स्पेस है, इतना ही गैप रखते हुए मैंने अलग अलग फोकल लेंथ के ऊपर अलग अलग फोटोज़ लिए। तो एग्जैक्टली सेम लाइटिंग, सेम सिचुएशन, सेम व्यक्ति, सेम एक्सप्रेशन, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। आप ये देखो सेकंड फोटो, सब सेम सिचुएशन थी, बस फोकल लेंथ चेंज हुई, थोड़ा फर्क पड़ा। एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, ये लास्ट फोटो है, नाक छोटा हो गया। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट से कंपेयर करता हूँ इसको, यहाँ पर मैं साथ में फर्स्ट भी खोल लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये मेरी फर्स्ट इमेज थी और ये वाली जो है ये करंट इमेज है, राइट। इस वाली में आप देख सकते हैं नाक कितना चौड़ा है, इसमें नाक ठीक है, इसमें जो है बाल यहाँ के पीछे की तरफ बिल्कुल गायब हो चुके हैं, ऐसे थोड़ा सा गंजा गंजा लग रहा है साइडों से। इसमें आपको देख रहे हैं फुलर यहाँ पर बाल आपको थोड़े भरे भरे नज़र आ रहे हैं, राइट। आँखें इसमें एकदम डिस्टॉर्टेड हो चुकी हैं, इसमें आँखें ठीक नज़र आ रही हैं। कान इसमें छुप गए हैं, बिल्कुल पीछे ही चले गए हैं गालों के, इसमें कान भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इसकी वजह से गाल जो है मोटे मोटे लग रहे हैं, फेस थोड़ा चौड़ा लग रहा है, इसमें क्योंकि कान बाहर निकल के आ रहे हैं तो थोड़ा सा फेस उससे लीन लग रहा है, राइट। थोड़ी भी इसमें थोड़ी सी वो है, तो सारी ओवरऑल फोटो ये डिस्टॉर्टेड है और ये फोटो में सब कुछ जो है एकदम सामने स्ट्रेट नज़र आ रहा है। तो डिफरेंसेस क्या हैं इन दोनों के अंदर, मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट फोटो थी हमारी, ये जो है 24mm फोकल लेंथ के ऊपर फोटो क्लिक हुई है। जो नेक्स्ट फोटो है ये 35mm है, दिस वन इज 50mm, उसके बाद 70mm, उसके बाद 135mm, सॉरी 85mm, सॉरी, उसके बाद 135mm और ये फाइनली 200mm। तो 24mm से लेके 200mm तक की आपने जो है ये सारी फोटोज यहाँ पर देखी हैं, राइट। और मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट दोबारा से एक साथ दिखा देता हूँ। सो दिस वन इज 24mm और दिस वन इज 200mm। इनफैक्ट मैं बीच वाली भी कोई एक ले लेता हूँ यहाँ पर, इनफैक्ट दो ले लेते हैं आई थिंक, ठीक है। तो पहले ऐसा था, उसके बाद 24 के बाद 35 छोड़ के 50, उसके बाद 135 और ये फाइनली 200mm। तो सारी नहीं रखी मैंने, ये चार आपके उस सामने रखी हैं ताकि आपको एक सीक्वेंशियल फ़र्क पता लगे कि इसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा है, इसमें कम हो गई, इसमें और कम हो गई, इसमें बिल्कुल कम हो गई। तो जब आप 24 से 50 तक जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा फ़र्क कम होता जाता है, राइट। तो अगर मैं बाकी सबको अभी हटा देता हूँ और इसको एक बार आपको थोड़ा सा लगातार चला के दिखाता हूँ, तो देखिए आपको किस तरह का इफेक्ट आएगा, देख सकते हैं आप। तो ये फेस डिस्टॉर्ट होता हुआ और ये फेस ठीक होता हुआ, फेस डिस्टॉर्ट होता हुआ, फेस ठीक होता हुआ। तो अगर आपको ब्यूटीफाई करना है अपने कैरेक्टर के फेस को, तो आप जो है लॉन्गर लेंस यूज करें, आप 85mm पे, ठीक है, या इनफैक्ट 135mm पे, इस पे शूट करें तो आपका फेस ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आएगा। अगर आपको फेस डिस्टॉर्टेड दिखाना है तो आप इस तरह का 24mm पे यूज करें। तो अब आप पूछेंगे सवाल कि 24 पे शूट क्यों किया था आपने। देखिए दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप सिर्फ फेस को इग्नोर करें, पीछे का बैकग्राउंड देखें, यहाँ पर मैं एक दरवाजे के सामने बैठा हूँ जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ यह शूट कैसे किया मैंने। ये सिनेरियो था, ठीक है, इसमें देख रहे हैं यहाँ पर ये पीछे मेरा एंट्री डोर है, ये ग्लास वॉल है, इधर मैंने 2-पॉइंट लाइट सेटअप लगाया और मैं यहाँ पर चेयर पर बैठा हूँ, राइट। और मैंने अभी साथ में अपने फ्रेंड को बोला है हेल्प करने के लिए, जिनको आप जानते हैं प्रीतेश राजपूत, वो मेरे स्टूडेंट भी हैं, मेरे फ्रेंड भी हैं और बहुत अच्छा ब्लेंडर सिखाते हैं। तो जिसने भी ब्लेंडर सीखना हो प्रीतेश राजपूत का, जाकर के यूट्यूब चैनल ज़रूर चेकआउट करें, बहुत ही बढ़िया उन्होंने पूरी सीरीज़ बनाई है ब्लेंडर के ट्यूटोरियल्स की। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी एक दो लेंसेज पड़े हुए हैं, मैं यहाँ पर एक 24-70 पड़ा हुआ है, एक यहाँ पर 24 है। फिलहाल हमने क्या किया कि एक जूम लेंस लगाया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में जूम लेंस है, ये 70-200 है, तो इसमें 70 से लेकर के 200mm की सेटिंग है। हमने पहले 200 शुरू किया, अब फैक्ट किया कि सेम जो एरिया है, मैंने यहाँ पर इनको पहले थोड़ा सा गाइड भी किया था कि कितना पोर्शन यहाँ पर शूट करना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ कि फेस और उसके ऊपर थोड़ा हेडरूम वगैरह छोड़ देना, मैं इनको ये वर्बली बता रहा था, राइट।
तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि सबसे पहले 200 से जब शूट कर रहे हैं तो इनको डिस्टेंस कितना लेना पड़ रहा है, इधर से खड़े होकर शूट कर रहे हैं तब सिर्फ फेस का उतना हिस्सा आ रहा है, राइट। और उसके बाद में 200 के बाद में 135 पे आएंगे तो इनको आगे आना पड़े, क्योंकि जब 135 इन्होंने किया तो साइडों की चीज़ें और आपको स्क्रीन के अंदर दिखाई देने लग जाएंगी। और थोड़ा आगे आएंगे फिर अगले उस पर 85 पे, ठीक है, और बिल्कुल 70 के ऊपर जब ये बिल्कुल यहाँ पास में आ गए थे, उसके बाद इस लेंस के अंदर 70 से नीचे नहीं जा सकते थे तो लेंस हमें चेंज करना पड़ा यहाँ पर। तो ये लेंस यहाँ पर हम बदल रहे हैं, और लेंस बदलने के बाद में यहाँ पर हम 70 से आगे जब बढ़े तो ये 50 पर आए, उसके बाद बिल्कुल करते करते 35 और 24 पे हम बिल्कुल पास पहुँच चुके थे, ठीक है। तो सेम पोर्शन ऑफ फेस कैप्चर करने के लिए जब आप 24 एमएम पे हैं तो आप इतना पास खड़े हैं सब्जेक्ट के, और जब आप 200 एमएम पे हैं तो आप इतना दूर खड़े थे इस जगह पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर आप मान लीजिए ऐसे एरिया में शूट कर रहे हैं जहाँ पे इतना डिस्टेंस ही नहीं आपके पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टाइल जो है वो 2 फुट की है, राइट। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टाइल्स के आसपास की है ये डिस्टेंस, यानी कि 18 फीट दूर जाना पड़ा इनको मेरा फेस ही सिर्फ कैप्चर करने के लिए 200 mm में। तो मान लीजिए आप ऐसे रूम के अंदर हैं जहाँ पर रूम ही 12 फीट का है और आप 200 mm का लेंस ले आएँ तो आप पीछे पीछे जाते जाते दीवार से टकरा जाएंगे, लेकिन आप वो सब्जेक्ट को प्रॉपरली कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे। आपको डिस्टेंस चाहिए लॉन्गर लेंस यूज़ करने के लिए, राइट। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली है। मैं एक लेंसेज के ऊपर अलग से भी वीडियो बना दूंगा, फिलहाल मेरा काम सिर्फ इस वीडियो में फोकल लेंथ से आपका फेस वगैरह पे क्या फर्क पड़ता है ये आपको दिखाना है। तो करंटली इसको मैं वीडियो को हटाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दूसरी चीज़ जो दिखा रहा था, आपको ये पता लग गया कहाँ शूट हुआ है। तो मेरे पीछे जो डोर था उसका यहाँ पर देख रहे हैं ये हैंडल यहाँ पर नज़र आ रहा है, और इधर वो लाइट भी हमको नज़र आ रही है स्क्रीन में। तो वाइडर जब होते हैं आप 24 mm पे जब आप हैं तो पीछे का एरिया आपको ज़्यादा वाइड नज़र आता है, राइट, फेस के साथ में भी। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा, अब मैंने 35 किया तो देख रहे हैं ये हैंडल यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है, बाकी स्क्रीन से ऑलमोस्ट बाहर चला गया, ये लाइट की रिफ्लेक्शन भी कम नज़र आ रही है। और नेक्स्ट 50 mm पे जाते ही ये लाइट की रिफ्लेक्शन थोड़ी सी रहेगी, हैंडल बाहर जा चुका है बिल्कुल, राइट। तो जैसे जैसे मैं पीछे जाता जा रहा हूँ, लॉन्गर लेंस की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, फोकल लेंथ बढ़ती जा रही है मेरी, बैकग्राउंड जो है वो स्प्रेड आउट होता जा रहा है। बेसिकली वो पहले वाइड जो फीलिंग थी, बैकग्राउंड ग्रैंड दिख रहा था, वो छोटा होता जा रहा है उसका भी हिस्सा, ठीक है, मेरे जस्ट पीछे वाली चीज़ नज़र आ रही है। इसकी वजह से क्या है, ये सब चीज़ें कम डिस्टॉर्ट हो रही हैं, अनडिस्टॉर्ट हो रही हैं, तो फेस भी बेटर होता जा रहा है, लेकिन साथ में बैकग्राउंड भी जो है अभी बिल्कुल ब्लर भी मिलेगा आपको और नेक्स्ट में बिल्कुल गायब हो चुका है। और जो ये लास्ट में अगर आप आएंगे तो ये जो दरवाजे की एज है ये भी बिल्कुल गायब हो गई है, 200 पे आते आते कुछ नहीं है, बिल्कुल जस्ट मेरे पीछे का ही बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाइडर लेंस पे जब आप हैं तो आपको बैकग्राउंड ज़्यादा नज़र आएगा और फेस डिस्टॉर्टेड नज़र आएगा, नाक मोटा नज़र आएगा, आंखें चौड़ी नज़र आएंगी, और जब आप लॉन्गर लेंस पे तो आपको फेस ब्यूटीफुल नज़र आएगा, लेकिन जो बैकग्राउंड है अगर मान लीजिए उसके अंदर बिल्डिंग्स वगैरह थी आप दिखाना चाहते थे तो बिल्डिंग्स नज़र नहीं आएंगी आपको लॉन्गर लेंस पे, लॉन्गर लेंस जस्ट आपके पीछे की चीज़ को दिखाएगा, राइट। लेंसेज के ऊपर मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो ले आऊँगा अलग से, इसमें बहुत अच्छे से समझा दूंगा ये सारी चीज़ें कि कैसे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह का भी फर्क पड़ता है फोकल लेंथ से। लोगों को लगता है सिर्फ f1.4 या 1.8 है तो उसी से डेप्थ का लेने देना है और फोकल लेंथ से कोई लेने देना नहीं है, तो काफ़ी सारे इस तरह के कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आपको मैंने ये चीज़ बता दी है, अब आपको क्लियर है कि फोकल लेंथ से कैसे आप फेस को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। दूसरा जो अब सवाल मन में आएगा कि अगर आप ब्यूटीफुल लग रहे हैं 200 पे तो आपने क्यों ऐसा क्यों शूट किया था उस वीडियो के अंदर, इसका रीज़न ये है कि यही जो मैंने आपको बताया कि पीछे की चीज़ें अब आपको पूरा पूरा चौड़ा नज़र आ रहा है ना, तो बेसिकली एनवायरनमेंट को भी आप पुल इन कर लेते हैं जब आप वाइडर लेंस पे होते हैं। अब ये जो फोटो है ये बिल्कुल कैमरा के पास है बिल्कुल, ठीक है, तो आप पर्सनल बात जब करना चाहें तो आप वाइडर लेंस अगर यूज़ करेंगे तो आप बड़े ऑडियंस के पास रहेंगे। मेरे जो भी बॉडी मूवमेंट वगैरह थी उस इस केस में थोड़ी ऑडियंस के पास था मैं। जब मैं 200 mm पे होता हूँ तो क्या है कि ये वैसे देखने में ब्यूटीफुल है बट डिस्टेंस बहुत होता है, और जब मैं हाथ वगैरह मूव करूँगा तो कोई चीज़ें भी ला करके दिखा नहीं सकता, मेरी बॉडी मूवमेंट वगैरह इसमें इतनी नहीं आएगी, तो एक अप क्लोज पर्सनल जो है इंटरेक्शन नहीं रहता इस केस में, ठीक है। तो क्योंकि मुझे वहाँ पर आपसे कुछ पर्सनल बातें करनी थी, मैं चाहता था एक पर्सनल इंटरेक्शन रहे, इसलिए मैंने ये चीज़ को चूज़ किया वहाँ पर वाइडर लेंस को, ताकि थोड़ा सा आपसे अप क्लोज और पर्सनल मैं डिस्कशन कर सकूँ। और जो डेफिनेटली लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड भी जिस तरह से किया था वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट उस चीज़ का पड़ा है लोगों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि लोगों को लगा मैं उनसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे उन वीडियोज़ के ऊपर दिया है, राइट। सो ये एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी होता है। अब आपका सवाल यहाँ पर हो सकता है कि तो हम हमेशा ब्यूटी क्यों नहीं शूट करते, चलो ये तो आपने पर्सनल रीज़न बोल दिया, और क्या रीज़न हो सकता है, मैं आपको इस रीजंस के ऊपर भी एक वीडियो बता दूँगा फिल्म मेकिंग के अंदर क्यों हम कई बार ब्यूटीफुल चीज़ शूट नहीं करते, हमेशा ब्यूटी शूट करना भी कोई जो है अच्छी बात नहीं है, और इसके ऊपर मैं स्पेसिफिकली अलग से वीडियो बनाऊंगा, मे बी नेक्स्ट वीडियो हो या उससे नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल आपको आई थिंक क्लैरिटी हो गई है कि फोकल लेंथ कैसे काम करती है और मेरी नाक मोटी क्यों लग रही थी।
हालांकि मेरी नाक मोटी है वैसे भी, बट स्टिल 200 mm लगा के मैं उसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ राइट। अब एक और चीज़ मैं आपको जाने से पहले बता देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट ये कि अगर इसमें से ट्रू कौन सी है। अब ये तो सेम आदमी आपको अलग 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 फोकल लेंथ पे अलग 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 नज़र आ रहा है, तो सच क्या है इसमें से? देखिए सच का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट 50 mm जो है वो क्लोजेस्ट है जो आपको नॉर्मली ह्यूमन आई से सामने वाला दिखाई देता है। तो ये गलत है, 24, 35 भी गलत है, 50 दिस इज़ ऑलमोस्ट द ट्रूथ, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि फोटोग्राफर्स पोर्ट्रेट के लिए काफ़ी बार आपने देखा होगा कि 50 mm यूज़ करते हैं लेंस, ठीक है, और कुछ उसमें f1.8 या f1.4 यूज़ कर लेते हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए। तो 50 mm में एक नेचुरल सी चीज़ आती है जो कि ट्रूथ के काफ़ी पास है, उसको थोड़ा सा एक्सेंचुएट करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ब्यूटी को, वो कई बार उससे नेक्स्ट जो है 70 या 85 mm तक चले जाते हैं। तो 85 mm तक बहुत अच्छे रिजल्ट बेटर हो जाते हैं 50 से भी कंपेयर्ड, और 85 के बाद जितना बढ़ता जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग डिफरेंस नहीं पड़ता इन टर्म्स ऑफ फेशियल फीचर्स, बट पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें काफ़ी फर्क पड़ता है। तो अगेन लेंसेज की अलग वीडियो होगी, उसके अंदर उस चीज़ों के ऊपर डिटेल में जाएंगे। फिलहाल आपके सामने ये है 24 mm से 200 mm तक का सफ़र, ऐसा फेस जो है वो ऐसा बन जाता है राइट, और इनके बीच में जाकर यहाँ कहीं पे सच्चाई आपको नज़र आती है, यहाँ कहीं पे एक्सेंचुएटेड ब्यूटी है, और यहाँ पर हम ज़्यादा आगे निकल गए राइट। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब कल आएगी तो आपकी मिस ना हो। बाकी सब सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर मैंने दिए हैं, सब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और न्यू वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।